रेणुकूट में लॉकडाउन के चौथे दिन को कराया गया सख्ती से पालन, जहां बीते दो तीन दिन लोग घरों से बाहर निकल के सब्जी राशन ले रहे थे, तो वहीं चौथे दिन पिपरी थाना प्रभारी अभय नारायण तिवारी जी द्वारा सारे नगर मोहल्लों में अपने काफिले के साथ भ्रमण करके मेडिकल छोड़ सारी दुकानें बंद करने का आदेश देते हुए रोड पर बेवजह घूमने वाले दोपहिया चार पहिया वाहनों की सख्ती से चेकिंग करने के दौरान कई गाड़ियों का चालान भी काटा गया और रेणुकूट के सभी नगर वासियों को मीडिया के माध्यम से कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए लॉकडाउन का हिंदी में मतलब भी समझाया। रेणुकूट सोनभद्र से शिव नरेश की खास रिपोर्ट। मैं आप लोगों को इसका अर्थ बता रहा हूँ कि लॉकडाउन का मतलब है पूर्ण रूप से तालाबंदी। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर निकले, जिसके पास पास हो या जो भी गैस एजेंसी पर भी जाता है वो अकेले जाएगा, अपनी मोटरसाइकिल पर नीचे सीट पर बांधने वाला सामान रखेगा, अकेले ही गैस सिलेंडर लाएगा। यदि कोई सिलेंडर दो व्यक्ति लाता हुआ या दूध बेचता हुआ पाया गया तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और आज मैं नगरवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई योजना को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन आज हुआ है। इसके लिए रेणुकूट की जनता बधाई के पात्र है। और इसी क्रम में सर्वश्री आश्रम द्वारा आज 500 पैकेट फूड का वितरित किया जाएगा, जो पुलिस के द्वारा वितरित किया जाएगा, जो रेणुकूट और पिपरी के अंतिम व्यक्ति को दिया जाएगा। पत्रकार बंधुओं को यह सूचित करता हूं कि इनके द्वारा मेरे भ्रमण के दौरान इन लोगों द्वारा भी काफी घूमा गया और सभी क्षेत्रों को देखा गया। इसी क्रम में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के पुलिस के साथ साथ इन लोगों का भी सहयोग सराहनीय रहा। इसके लिए मैं रेणुकूट पिपरी या अपने थाना क्षेत्र के रहने वाले सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं कि आगे भी ऐसे ही पुलिस का सहयोग और जनता को जागरूक करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।